अवचेतन मन क्या है, आइए जानते हैं। मन के चंचल स्वभाव से तो आप परिचित हैं और कुछ हद तक दिमाग की क्षमताओं के बारे में भी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारा दिमाग ही वो शक्तिशाली अंग है जिसे आप अपना मित्र भी बना सकते हैं और शत्रु भी। दिमाग की शक्ति अनंत है और दिमाग की इसी शक्ति के बल पर महान खोजें और आविष्कार हुए हैं, और इसी दिमाग की पावर को समझ कर लोग महान बन पाए हैं। अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन हमारे मन का कोई भाग या प्रकार नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के एक हिस्से के रूप में जाना जाता है। असल में हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा है, चेतन मन और अवचेतन मन। पानी में तैरते हुए हिमखंड को शायद आपने कभी वास्तविकता में या फिर फिल्मों में देखा हो। उस हिमखंड का मात्र 10% भाग पानी की सतह से ऊपर दिखाई देता है और बाकी 90% भाग सतह से नीचे रहता है। बिल्कुल उसी तरह हमारा चेतन मन भी हमारे दिमाग का केवल 10% ही होता है, और दिमाग का 90% भाग साधारणतया अवचेतन मन होता है। हमारे जीवन से जुड़े सारे निर्णय चेतन मन ही लेता है, जबकि अवचेतन मन सारी तैयारी और व्यवस्था करता है। चेतन मन ये तय करता है कि क्या करना है, और अवचेतन मन ये तय करता है कि उसे कैसे साकार रूप देना है। हमारे सारे अनुभव और सूचनाएं हमारे अवचेतन मन में जमा रहती हैं, लेकिन जब भी हम उनका उपयोग करना चाहते हैं तो वो चेतन मन का हिस्सा बन जाती हैं। चेतन मन किसी बात को सुनना, उसका तार्किक निर्णय करना जैसे दैनिक कार्य करने में हमारी मदद करता है, जबकि अवचेतन मन के पास कोई तर्क शक्ति नहीं होती। ये हमारी बातों को बिना किसी तर्क के ही मान लेता है। किसी बात को तर्क या सही गलत की कसौटी पर कसने की बजाय अवचेतन मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है। हमारे चेतन मन द्वारा सोचा गया विचार। आपको जानकर हैरानी जरूर होगी कि हम अपने दैनिक कार्यों में अधिकतम 5% दिमाग का ही इस्तेमाल करते हैं, और हमारा अवचेतन मन दिमाग का वो हिस्सा है जिसे एक साधारण इंसान कभी प्रयोग ही नहीं करता है। अवचेतन मन हमारी कही हुई बात को बिना तर्क लगाए मानकर उसी दिशा में कार्य करने लगता है। इसलिए जैसे विचार हम सोचते रहते हैं, वैसे ही परिणाम हमें मिलने लगते हैं। यानी अगर आप पॉजिटिव सोच बनाए रखते हैं तो ये अवचेतन मन आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देने लगेगा, जबकि नेगेटिव विचारों के बदले में परिणाम भी विपरीत मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अवचेतन मन वही सच मानता है जो आप उसे बताते हैं। अवचेतन मन किसी भी कार्य को करने में दो नियम अपनाता है। पहला, बार बार कही जाने वाली या दोहराए जाने वाली बातें अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है, और दूसरा नियम, अवचेतन मन सच और कल्पना में अंतर नहीं करता। इन दोनों नियमों को समझकर आप अपने जीवन में अपने अनुसार बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मनचाहे विचार को पूरी दृढ़ता के साथ दोहराना होगा। कोई भी विचार अगर अस्पष्ट होगा तो वो अवचेतन मन को प्रभावित नहीं कर सकेगा। इसलिए अपने जीवन में आप जिन आदतों को बदलना चाहते हैं, जिस स्तर की सफलता चाहते हैं, पहले उसकी साफ छवि अपने दिमाग में बना लीजिए और इसे एक पेपर पर लिख लीजिए। लिखते समय इस बात का ख्याल रखें कि जो भी बेहतर बदलाव आप चाहते हैं उसे वर्तमान काल में ही लिखें, न कि भविष्य काल में। मान लीजिए कि आपको अच्छे विचार नहीं आते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको अच्छे विचार आएं, तो आप पेपर पर इस तरह लिखें, मुझे अच्छे विचार आते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अपने विचारों को आप नेगेटिव रूप में न लिखें। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका गुस्सा समाप्त हो जाए, तो आप अगर यूं लिखेंगे कि अब मुझे गुस्सा नहीं आता, आपको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे तो आप गुस्से को ही दोहरा रहे हैं। इसकी बजाय आपको लिखना होगा कि मेरा व्यवहार शांत है। अवचेतन मन को दी गई जानकारी ही उसके लिए सच होती है, जिसे वो तुरंत प्रतिक्रिया के रूप में आपके सामने लाना शुरू कर देता है। जितनी प्रबल आपकी सोच होती जाएगी, उतने ही जल्दी आपको परिणाम भी मिलने शुरू हो जाएंगे। बस आपको हर क्षण इतना ध्यान रखने की जरूरत होगी कि आप पॉजिटिव विचार रखें और उन्हें लिखने और अपने दिमाग में दोहराने का तरीका सकारात्मक ही रखें। इसके अलावा आपको अवचेतन मन की शक्ति पर भी यकीन करना होगा, क्योंकि बिना यकीन किए हमारे विचारों में स्पष्टता नहीं आएगी, जिसके कारण अवचेतन मन विचारों को अनदेखा कर देगा।
अब तो आप जान गए हैं कि आपके पास अवचेतन मन के रूप में कितनी बड़ी शक्ति मौजूद है, जिसका सही इस्तेमाल करके आप अपने जीवन की कायापलट कर सकते हैं, क्योंकि चेतन मन की क्षमताएं सीमित होती है, जबकि अचेतन मन की कोई सीमा ही नहीं होती। तो बस देर किस बात की, मनचाहा जीवन जीना अब आपके अपने दिमाग में है, तो इसी पल से अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए और अपने लिए एक बेहतरीन जिंदगी को तैयार कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और ही ऐसे कमाल के वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय।